हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है पुलिस एक्ट 1861 से रिलेटेड जो है हम चीज़ों को डिस्कस किए हैं, ये मेरा जो है चौथा लेक्चर है। यदि आप बाकी के जो प्रीवियस लेक्चर है अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से उसका आप जो है हेल्प ले सकते हैं। चूँकि जो पहला वीडियोस था हमारा केवल इंट्रोडक्शंस था और इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि जो है कौन कौन से आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 1861 का जो पुलिस एक्ट है उसको जो है मान्यता देते हैं, और उसके बाद जो कुछ बेसिक चीज़ें कितने सेक्शन हैं कितने पैरा हैं और ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया था। जितना भी चीज़ें बताया जा रही हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो हमारा सेकेंड वीडियो था उसमें केवल इंपॉर्टेंट सेक्शन बताए गए थे कि पुलिस एक्ट में कौन कौन सी धाराएं जो है महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के लिए। वहीं जो है हमारा जो तीसरा लेक्चर था उसमें हम जो जनरल इंटरप्रिटेशन है यानी कि जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है सेक्शन 1 यानी कि निर्वचन खंड के अंतर्गत जो डेफिनेशन दे के रखे हैं, टोटल 11 डेफिनेशन है, टोटल 11 परिभाषाएँ हैं जिसमें से 11 परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम एक एक परिभाषा को यानी एक एक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताते चलेंगे कि कौन सा जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो हम पहला डेफिनेशन था हमारा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिसे जो है DM भी कहते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस किए थे और ये भी बताए थे कि क्या उन दोनों के बीच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के बीच क्या डिफरेंसेस हैं और तमाम चीज़ें डिस्कस किए थे। अगर आप नहीं देखे तो हमारे उस वीडियो को जाकर के देखिए। ठीक है, आज जो है हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड डेफिनेशन दिया हुआ है वो मजिस्ट्रेट का दिया हुआ है। सबसे पहले हम बेरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं। बेरेक्ट में लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट के बारे में, मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण जिले के सब व्यक्ति आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक सिंपल सी बात उठती है कि जो जनरल डिस्ट्रिक्ट पुलिस है यानी कि जो साधारण जिला पुलिस है उस साधारण जिले पुलिस के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति या सब व्यक्ति आ सकते हैं जो क्या करते हो, मजिस्ट्रेट के शक्तियों का प्रयोग करते हो। यानी ऐसे सभी व्यक्ति, ठीक है, जो साधारण जिला पुलिस के अंतर्गत आते हों और मजिस्ट्रेट के पूरी शक्तियों का या कुछ शक्तियों का वो प्रयोग करते हों तो वो पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो है वो मजिस्ट्रेट की श्रेणी में माने जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा मजिस्ट्रेट का जो है इसके हिसाब से डिस्कशन। अब एक चीज़ देखो कि CRPC से थोड़ा सा इसको हम कनेक्ट कराते हैं, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी हम बताए थे कि CRPC से कैसे कनेक्ट कराएं, क्योंकि जब भी पुलिस एक्ट्स आप पढ़ेंगे तो हम दो तीन जो है एक्ट को कनेक्ट करा करके ही बताएंगे और अधिकतर मान के चलिए कि CRPC से इसका ज़्यादा कनेक्शन बनेगा क्योंकि वो चीज़ें, वो क्राइम कैसे होंगी, पुलिस कैसे जो है क्या करेगा, उन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो जो CRPC का यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 20 है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के बारे में बात करता है और सेक्शन 21 जो है वो बताता है कि किसी सेक्शन 21 जो है कार्यपालक विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है। यानी कि सेक्शन 20 और 21 दोनों मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। सेक्शन 20 क्या कहता है कि राज्य सरकार क्या करेगी, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करेगी, जबकि सेक्शन 21 में कौन से मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में, तो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जो है सेक्शन 21 में बताया गया है। और साथ ही साथ जो है हम लोग ये भी देख लिए थे, कल भी हम डिस्कस किए थे कि मजिस्ट्रेट के क्या कार्य होते हैं, तो किसी भी जिले में मजिस्ट्रेट का कार्य क्या होता है तो विधि और व्यवस्था को बनाए रखना सबसे पहला काम ये है, उस जगह पे कोई प्रशांति भंग ना हो उसको देखने का काम होता है, उसके बाद जो है लोक उपताप का निवारण करना यानी कि पब्लिक कोई न्यूशंस अगर क्रिएट हो रहा है तो उसको कैसे जो है निवारित किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, उसको भी यहाँ पे देखा गया है। उसके बाद जो है लोक प्रशांति विक्षुब्ध न हो,
उसकी उसको भी निवारित करने या उस जो मेंटेन करने की बात है वो भी मजिस्ट्रेट का कार्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, कुल मिला जुला के अगर हम देखें 1861 का जो ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज में मजिस्ट्रेट शब्द को बताया गया है, डिफाइन किया गया है, तो किसी साधारण पुलिस जिले में जनरल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति मजिस्ट्रेट कहलाएंगे जो मजिस्ट्रेट के किसी एक शक्ति या कुछ शक्ति या पूरी शक्तियों का प्रयोग करते हों, तो इस अधिनियम के इस धारा के अंतर्गत वो मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।